हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद राधा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस। और ये जो पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक सेल तक कैसे पहुंचती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिलीज़ किया जाता है हर एक सेल से। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है ब्लड। ब्लड इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल डिफ्यूजन से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी, बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा है, इसलिए हम सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करते हैं। हमें और कॉम्प्लेक्स सिस्टम चाहिए ताकि हर एक सेल तक पहुंच पाए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। सो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हैज़ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। सो ब्लड में प्लाज्मा जो है उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एंड प्लेटलेट्स। सो प्लाज्मा जो है, जो लिक्विड फॉर्म में है ब्लड में, उसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड प्लेटलेट्स। सो प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। सो प्लाज्मा का फंक्शन है इट ट्रांसपोर्ट फूड। जो भी हम फूड ले रहे हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर एक सेल तक कैसे पहुंच रहे हैं, वो प्लाज्मा पहुंचा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है हमारे सेल से, वो बाहर कौन भेज रहा है, बाहर किसकी हेल्प से जा रहे हैं? प्लाज्मा की हेल्प से। नाइट्रोजनस वेस्ट, जो भी एक्सक्रीशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, उसमें भी प्लाज्मा हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। सो ये फंक्शंस हैं प्लाज्मा के। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। सो प्लाज्मा में जैसे कि हमने देखा कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्यों कैरी करता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है और एक हर एक सेल तक वो पहुंचाता है उस ऑक्सीजन को। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज। तो ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के थ्रू जाती है और इसके लिए हमें बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का सर्कुलेशन करना ज़रूरी है। और वो किसकी हेल्प से होता है? हार्ट। हार्ट की हेल्प से, क्योंकि एक पंपिंग ऑर्गन है, ये पंप करता है हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन है वो पहुंचाने के लिए। सो एक प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए जहाँ ट्यूब्स हों, जहाँ पर हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक पहुंचाया जा सके ऑक्सीजन को। सो दिस इज़ आवर हार्ट विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन ट्रांसपोर्टेशन, आवर पंप। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। तो अगर आप अपनी मुट्ठी बनाएंगे तो उतना ही बड़ा होता है हार्ट, जो एक मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल से बना है हमारा हार्ट। Both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. The heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. So, हमारे heart में different chambers बने होते हैं जो mixing है carbon dioxide और oxygen blood की, उस mixing को prevent करता है। इस तरह से chambers बने होते हैं कि oxygen-rich blood और carbon dioxide-rich blood का mixing को अवॉइड किया जा सके, मिक्सिंग ना हो। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू ब्रॉट बैक टू द हार्ट। सो
सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें बॉडी के बाहर निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो क्या होता है, वो लंग्स में जाता है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है। इस तरह से बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। बट हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम लंग्स इट हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, वो हार्ट तक लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा और पूरे बॉडी में पहुँचाएगा। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज आवर हार्ट। We have four chambers in our heart, left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. These are the four chambers which prevent the mixing of carbon dioxide and oxygen rich blood to each other. And we have different septas also. The septa is between these two parts. It prevents the mixing of blood. septa is a kind of division, एक तरह की wall होती है जो mixing को avoid करती है, तो उसे हम बोलते हैं septum। तो हम देखते हैं कि कैसे blood circulate होगा। So हम देखेंगे कि heart में blood कैसे pump होता है और कैसे oxygen रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है जिसको हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उनका मिक्सिंग कैसे नहीं होता है। सो ये कैसे ब्लड एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाता है ये हम देखते हैं। सो सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेंबर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। तो हमने इस फिगर में देखा था कि हमारे पास हार्ट में फोर चेंबर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो ब्लू कलर है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आपको ब्लू कलर दिख रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ब्लड इज़ डीऑक्सीजनेटेड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है। और जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब लंग से ऑक्सीजन आएगी और वो ब्लड में मिक्स होगी, फिर वो ब्लड कैसे पूरे बॉडी तक पहुंचता है, तो वो ब्लड आता है लंग से लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजनेटेड, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। देन लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन कलेक्टिंग द ब्लड, जब वो ब्लड आ रहा है तो लेफ्ट एट्रियम जो है, ये जो चेंबर है, ये रिलैक्स करेगा एंड आफ्टर दैट इट कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे ही पूरा फिल हो जाएगा फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा? क्योंकि वो ब्लड अब जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स हैं, अपर साइड में ऑरिकल्स हैं, या हम बोल सकते हैं एट्रियम है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल इन टर्न एक्सपैंड होगा, देन द ब्लड इज़ ट्रांसफर्ड टू इट, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। द ब्लड इज़ ट्रांसफर्ड एंड देन दिस लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, द ब्लड इज़ पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज़ हाउ ब्लड oxygenated blood enters the left atrium, then left atrium after collection the of the oxygenated blood, after filling up this chamber, then it contracts, then this atrium, left atrium contracts, and then whole blood reaches to the downward side in the chamber, left ventricle. Now this left ventricle contracts and through the aorta, you are seeing this tube aorta, through this aorta this oxygenated blood goes to the body. Now from the body
deoxygenated blood. Oxygen is being taken up by the tissues and the cells from the oxygenated blood. Now, after taking up oxygen, the cells release carbon dioxide. So, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right. So, on the right side, the deoxygenated blood from the lower body, vena cava, through this tube, vena cava, from the lower body, the whole deoxygenated blood is collected in the right atrium. The right atrium expands, then contracts. Similarly, as left atrium, right atrium also expands to collect the blood and then contracts. Contract kyun karega? Kyunki use blood नीचे वाले चेंबर में, राइट चेंबर में, राइट वेंट्रिकल में पहुंचाना है. तो वो राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड जाएगा एंड देन राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, एक्सपैंड करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उसमें आ जाए. नाउ ब्लड रीचेस टू द राइट वेंट्रिकल विच पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड. सो यहाँ पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ गया राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से जाए लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए. फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में. इस तरह से बॉडी में सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता. वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स, क्योंकि वेंट्रिकल्स जो लोअर चेंबर्स हैं उनको पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड को पहुंचाना है. सो दे हैव थिकर वॉल्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स. वॉल्स एंश्योर दैट ब्लड डू नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. तो आपने देखा होगा यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से और लेफ्ट में जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, तो यहाँ पे ये वॉल्व है, यहाँ पे भी वॉल्व है और राइट साइड में भी वॉल्व है. तो ये वॉल्व जो है, ये इसका फंक्शन क्या है कि वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को अवॉइड करता है. सो दिस इज़ हाउ ब्लड इज़ बीइंग पम्प्ड टू द बॉडी, होल बॉडी. ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स. The separation of right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. तो हमने देखा कि right side और left side जो है जो heart का, उससे oxygenated और deoxygenated blood की mixing को हम avoid करते हैं. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. इससे क्या होता है, हमारी body में oxygen की जो क्वांटिटी है वो अच्छी क्वांटिटी बॉडी में पहुंच जाती है. दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. सो जो हार्ट है, फोर चेम्बर्ड हार्ट, दिस इज़ वेरी एफिशिएंट हार्ट, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं होती ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जिससे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ऑप्टिमम क्वांटिटी पहुंच पाती है. इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट. क्योंकि मैमल्स और बर्ड्स में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए एक एफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए. बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं, सच एज एम्फीबियंस. एम्फीबियंस में क्या आते हैं, फ्रॉग्स. फ्रॉग्स आपने देखा होगा कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. एंड मैनी रेप्टाइल्स, सो दे हैव थ्री चेंबर्ड हार्ट्स. मैमल्स और बर्ड्स में फोर चेंबर्ड हार्ट है, क्योंकि इसमें इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर. बट इन एनिमल्स सच एज एम्फीबियंस whose body temperature depends on the temperature of the environment, they do not require
अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दे हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट. दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट फिशेज दे हैव ओनली टू चेम्बर्स टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स एंड इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासिस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग अ साइकिल और पैसेज थ्रू द बॉडी. तो फिशेज में टू चेम्बर्स होते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर्स हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स में फोर चेम्बर्ड हार्ट हैं. तो फिशेज में वन सर्कुलेशन होता है और हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है. फोर चेम्बर्ड हार्ट जिसमें है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का. डी ऑक्सीजनेटेड, पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है, फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से कलेक्ट किया जाता है. तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. तो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, हमने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वेन है लंग से आ रही है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है राइट चेम्बर में, राइट साइड ऑफ हार्ट में, फिर वहाँ पर पंप किया जाता है, वहाँ से पंप किया जाता है ब्लड वेंट्रिकल्स के थ्रू, इस तरह से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में. बॉडी में छोटी छोटी कैपिलरीज हैं जो हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुँचाती हैं. फिर ये सारी कैपिलरीज जो हैं ये कलेक्ट करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड थ्रू वेना केवा ये पहुँचाते हैं राइट एट्रियम एंड देन राइट वेंट्रिकल एंड देन दिस deoxygenated blood goes to pulmonary artery to lungs for oxygenation. तो यहाँ पर important जो है, जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमें पता है artery में oxygenated blood होता है and veins में deoxygenated blood होता है, but pulmonary vein में oxygenated blood होता है. क्यों? क्योंकि lungs से आ रहा है. यहाँ पर opposite हो जाता है. pulmonary artery में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये लंग्स की तरफ जाती है. अब हम पढ़ेंगे आर्टरीज और वेन्स क्या हैं, द ट्यूब्स द ब्लड वेसल्स. अब हमें पता है कि हमें बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है तो वो किसके थ्रू जाएगा. छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ट्यूब्स होती हैं बॉडी में, सच एज आर्टरीज and veins. Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. So oxygenated blood जो है ये carry करती हैं और हर एक organ तक, body organ तक ये पहुँचाती हैं. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. So जो pumping होती है, जो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिकली क्यों होते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए. क्योंकि हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, इतनी लार्ज साइज़ है, तो प्रेशर अगर क्रिएट नहीं होगा तो ब्लड का पंपिंग जो है वो नहीं होगा. तो ये जो है आर्टरीज हैं इसमें थिक वॉल्स होती हैं, थिक इन इलास्टिक वॉल्स होती हैं. क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का तो ब्लड जो है वो बहुत हाई प्रेशर से जाता है, और अगर आर्टरीज़ की वॉल्स पतली होंगी, थिन वॉल्स होंगी, तो वो बर्स्ट होने के चांसेस हैं. इसलिए आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं वो थिक हैं और इलास्टिक हैं. फिर वेन्स का फंक्शन क्या है, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स की हार्ट की तरफ वो लेके जाएगा, राइट एट्रियम की तरफ लेके जाएगा, वेन्स लेके जाएंगी और ये कलेक्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स. डिफरेंट ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करती हैं और वापस से हार्ट में लेके आती हैं. फिर वो हार्ट से लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए वो ब्लड जाता है. इसकी वॉल्स थिक नहीं होती, इसकी वॉल्स थिन होती हैं. क्यों? क्योंकि जब बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया तो उसका प्रेशर काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, ब्लड का जो प्रेशर है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, जिससे वो उसको थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं है. इसलिए वेन्स की वॉल्स जो हैं वो थिन हैं. और जो वॉल्स होती हैं, दे हैव वॉल्स, वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट हैं जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करती हैं और इंश्योर करती हैं कि ब्लड का जो फ्लो है दैट विल
that is only in one direction. On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. तो हर एक सेल तक कैसे पहुंचाते हैं, जैसे ये एक आर्टरी है, रेड कलर का शो जो कर रहा है ट्यूब, ये आर्टरी है और यहाँ से आर्टेरियोल बना, फर्दर ये स्मॉल कैपिलरी, स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में, वेरी जो थिन ट्यूब्स हैं, नैरो ट्यूब्स हैं, उसमें डिवाइड हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ से वो हर एक सेल तक वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाते हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स with one cell thick and are called capillaries. Exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across this thin wall. The capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि capillaries जो हैं वो इतनी पतली होती हैं, इतनी thin होती हैं कि वो single cell से बनी होती हैं, one cell thick होती हैं। और जिस तरह से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पहुंचाया जाता है ऑर्गन्स हर एक सेल तक, उसी तरह कलेक्ट भी किया जाता है थ्रू कैपिलरीज ओनली। इस तरह से कलेक्ट करके फिर वो वेन्स तक, जो मेन ट्यूब है, वहाँ तक लेके आते हैं। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हेन द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक, तो कभी कभी क्या हो सकता है कि एक बैकअप भी होता है बॉडी में, हर जगह हमारा एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हमें बैकअप भी मिलता है। अगर किसी कंडीशन में ये ट्यूब्स जो हैं, आर्टरीज और वेंस, ये लीक डेवलप कर, कुछ इंजरी हो जाए और उसमें लीक हो जाए, ब्लड लीक करने लगेगा, नेचुरली देयर वुड बी लॉस ऑफ ब्लड, लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पम्पिंग सिस्टम। प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे हर एक ऑर्गन तक ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच पाएगा। सो टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स। हमने पढ़ा था ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट सेल्स होते हैं। सो प्लेटलेट सेल्स का यहाँ फंक्शन क्या है, दे अवॉइड दिस लीकेज। ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी। सो सपोज ट्यूब्स में अगर इंजरी हो गई तो ये प्लेटलेट सेल्स वहाँ पर हेल्प करते हैं और एक क्लॉट बना लेते हैं, ब्लड क्लॉट, वहाँ पर ब्लड जम जाता है और वहाँ क्लॉट बन जाता है, जिससे लीकेज को एक तरह से प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज लिम्फ। दिस इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक और तरह का फ्लूइड हेल्प करता है, जिसे हम बोलते हैं लिम्फ, इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph. So, जो walls हैं, capillaries की जो walls हैं, इसमें intercellular spaces होते, intercellular spaces, यानी कि दो cells के बीच में जो spaces हैं, उसके through plasma, protein और blood cells का ये cells बाहर निकल जाते हैं और वो बनाते हैं lymph को या टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू में पाए जाते हैं, इसलिए हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं या लिम्फ बोलते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ब्लड में जैसे प्लाज्मा होता है, टिश्यूज में लिम्फ होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फैटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इंटू लार्जर वेन्स। तो लिम्फ जो है ये लिम्फैटिक कैपिलरीज में कलेक्ट होता है, कहाँ से, इंटरसेलुलर स्पेसेस से। जो भी सेल्स के बीच में स्पेसेस हैं वहाँ से कलेक्ट होगा कैपिलरीज में, जो कि बड़े बड़े लिम्फ वेसल्स में ओपन होगा। Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the
ब्लड। तो हमने ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन कैसे होता है ब्लड में वो हमने देख लिया, और वो ब्लड कैसे बॉडी तक पहुंचता है वो सब हमने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया। बट हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो कैसे जाते हैं, वो उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो होता है लिम्फ से। लिम्फ क्या करता है, लिम्फ क्या करता है, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है और जो भी एक्सेस होता है वो वापस से ब्लड में भेज दिया जाता है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फ्रॉम रूट्स। तो प्लांट्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, मिनरल्स का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी मिनरल्स है जो बॉडी प्लांट की बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कनेक्टिंग ट्यूब्स। तो दो तरह के पाथवेज होते हैं जिनकी वजह से ये वाटर का मूवमेंट और मिनरल्स का मूवमेंट होता है। सो वन इज जाइलम, जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम सॉइल। सॉइल से एब्जॉर्ब होता है रूट्स में, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, देन दी जाइलम सेल्स जो होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स के। बॉडी जो प्लांट बॉडी है उसको हर एक पार्ट को वाटर एंड मिनरल्स चाहिए तो वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। द अदर पाथवे इज़ फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है इसलिए वहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल तो होगा ही, तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो जाइलम फुलफिल करेगा, पहुँचाएगा वाटर लीव्स तक, फिर फ्लोएम जब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होने के बाद फूड प्रिपेयर हो जाएगा, स्टार्च बन जाएगा, फिर और बॉडी पार्ट्स में चाहिए, प्लांट्स के और बॉडी पार्ट्स में भी चाहिए, तो वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे कि स्टार्च, और वो लीव्स में सिंथेसाइज होता है। जाइलम एंड फ्लोएम आर कंडक्टिंग टिश्यूज एंड फॉर्म अ वास्कुलर बंडल। तो इन दोनों टिश्यूज़ को हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और ये दोनों बनाते हैं वास्कुलर बंडल। वास्कुलर ऑफ कंडक्टिव टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स दैट हैज़ मेड पॉसिबल द प्लांट्स टू सर्वाइव इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सिंपल डिफ्यूजन से भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, बट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में एक प्रॉपर कंडक्टिंग टिश्यूज़, प्रॉपर वास्कुलर बंडल चाहिए जो कि बनाता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये सेल्स हैं जो ये जो पार्ट्स हैं जाइलम के, ये जाइलम बनाते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम वेसल्स। फ्लोएम किसके बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। जाइलम सेल्स हैव थिक वॉल्स एंड मेनी ऑफ देम आर डेड सेल्स। जाइलम जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, तो उसके वॉल्स थिक हैं। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर विथ परफोरेटेड वॉल्स। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो जाइलम में ट्रैकेट्स और वेसल्स जो हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मीन्स ट्यूब की फॉर्म में है, जिनकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर वर्टिकली हो पाता है। फ्लोएम का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इन जाइलम द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। तो ये मैं आपको और डिटेल में बता देती हूँ, ये है एक जाइलम वेसल, ये है फ्लोएम वेसल। जाइलम वेसल जो है इसमें वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है फ्रॉम द ग्राउंड टू द
अपर पोर्शंस ऑफ द प्लांट और ट्रीज, लीव्स तक वहाँ तक जाएगा। तो ये वन वे है, वन वे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वन वे मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो रहा है। नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स, कोई एंड वॉल्स नहीं है, थिक वॉल्स हैं, स्टिफेंड विद लिग्निन। यहाँ पर फ्लोएम वेसल में क्या है, ये टू वे फ्लो है, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट में जो प्लांट्स का है, जैसे कि रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, और भी ब्रांचेस हैं, वहाँ तक फूड को पहुँचाना है जो भी फोटोसिंथेसिस के बाद आया है, तो टू वे फ्लो है इसलिए। और सेल्स दे हैव एंड वॉल परफोरेशंस, तो एंड वॉल परफोरेशंस हैं इसमें, सेल्स के एंड में कुछ पोर्स हैं जिसकी वजह से सेलेक्टिव मटेरियल, सेलेक्टिव चीज़ें ही पहुंचाई जाती हैं, और इनका फंक्शन है फूड को पहुंचाना फ्लोएम वेसल्स का। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हमें पता है कि जाइलम में वेसल्स और ट्रैकेट्स जो हैं ये ट्यूब फॉर्म करते हैं, जिनका मेन फंक्शन है वर्टिकल फ्लो कैसे हो रहा है वाटर का, कैसे पहुंचाना है वाटर वर्टिकली टू द प्लांट, रूट से कैसे पहुंचाना है लीव्स तक। तो ये बनाते कैसे हैं, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है, कंटिन्यूस सिस्टम होता है, चैनल्स बने होते हैं, एंड दीज चैनल्स आर प्रेजेंट ऑल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। At the root, cells in contact with the soil actively take up ions. तो soil से roots जो हैं वो ions ले लेते हैं, absorb कर लेते हैं, and this creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. तो ions का concentration में difference आ जाता है। Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. So water absorption कैसे होता है roots में, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो roots क्या है, वो particularly ions लेता है, ions लेने की वजह से there is a difference in concentration of ions, और इसको पूरा करने के लिए, उसको equalize करने के लिए water का movement होता है, water absorb होता है, water through, जैसे कि हमें पता है कि water जो है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, तो वाटर मूव करेगा टू इक्वलाइज द आयन कॉन्सेंट्रेशन। दिस मीन्स दैट देर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इन टू रूट जाइलम, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स। सो इस तरह से वाटर जो है जाइलम के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है। Plants use another strategy to move water in the xylem upwards to the highest points of the plant. तो ये एक तरीका होता है जिससे water का uptake होता है through difference in ion concentration. Another strategy is through evaporation. Evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots. The loss of water in the form of vapor from aerial parts of the plant is known as transpiration. तो आपने ये प्रोसेस सुना होगा transpiration. Transpiration में क्या होता है, water molecules जो हैं वो leaf की surface पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक suction pull create होता है। जिस तरह से आप straw से आप water suck करते हैं, with the help of straw if you suck water, that is created due to a suction pressure. ये सक्शन प्रेशर कैसे आता है, जब लीव्स की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, और फिर वो जाइलम सेल्स होते हैं जो पहुंचाते हैं वाटर को रूट से प्लांट्स के और पार्ट्स तक। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट। तो ये हमने समझ लिया कि लीव्स की सरफेस पे आपने देखा होगा कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, दैट इज़ ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से सक्शन क्रिएट होता है और वाटर जो है ऊपर की तरफ आ जाता है और बाकी जो पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स
of the plant is known as transpiration. This transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. It also helps in temperature regulation. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes a major driving force in the movement of water in the xylem. So, root pressure जो है, उसकी वजह से water जो है absorb होता है roots में, but वो water और plant के parts तक कैसे पहुँचेगा, वो transpiration से पहुँचता है. जब leaves में stomata open होते हैं, स्टोमेटा जैसे कि हमने पहले भी देखा कि स्टोमेटा हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में, और वहाँ से वाटर लॉस भी होता है और ट्रांसपिरेशन होता है. फिर उस ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से वाटर अपवर्ड मूव करता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. सो हमने देखा ट्रांसपिरेशन से वाटर मूवमेंट होता है. दूसरा प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन से क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो प्लांट्स के लीव्स में जब फोटोसिंथेसिस के बाद स्टार्च बना, ग्लूकोज बना, तो वो प्लांट्स के और पार्ट्स में कैसे जाएगा, थ्रू फ्लोएम. एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम. फ्लोएम आल्सो ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस. दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स टू ग्रोइंग ऑर्गन्स. ग्रोइंग ऑर्गन्स जो हैं प्लांट्स के, उसमें रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स की, अमाइनो एसिड्स की, और भी जो भी मिनरल्स चाहिए. तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम ही करता है. द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड ऑल अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो हमने देखा था कि फ्लोएम सेल्स जो हैं उसमें टू वे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं. तो ये है फ्लोएम टिश्यू, और यहाँ पर सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स भी हैं, और ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं टू वे मूवमेंट में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. अलॉन्ग विद द सिंपल फिजिकल फोर्सेस, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. मटीरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी. सो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ बीइंग फुलफिल्ड बाय एटीपी. दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग द वाटर टू मूव इनटू इट. दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर. दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटीरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स. सो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में. जहाँ पर लेस प्रेशर होगा वहाँ तक, वहाँ पर नहीं जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होगा उस तरफ वो फ्लो करेंगी मटेरियल. फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग, शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो. तो जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर फूड मटेरियल पहुंचता है थ्रू फ्लोएम. नाउ एक्सक्रीशन, ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ गैसेस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. तो हमने देखा था कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में. बट अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटीरियल. नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल भी जनरेट होते हैं, एंड the process, the biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. So what is excretion? Excretion is the biological process wherein we remove the harmful metabolic waste from the body.
Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. So, unicellular organism में simple body diffusion, body के surface से जो diffusion हो रहा है उसकी help से excretion हो जाता है. But complex multicellular organisms में specialized organs होते हैं जो help करते हैं excretion में. सबसे पहले हम देखेंगे excretion human beings में कैसे होता है. So, excretory जो system है human beings में वो बना है a pair of kidneys, ये kidneys हैं, bean shaped kidneys, a pair of ureters, जो tubes गई हैं उनको हम ureters बोलते हैं, left and right. Then we have these ureters, they are connected to form a bag-like structure which is known as urinary bladder, and then a small tube goes out of the urinary bladder to excrete the excretory product, and this tube is known as the urethra. Kidneys are located in the abdomen. Abdomen area में kidneys होती हैं on either side of the backbone. दोनों sides. Backbone के दोनों left and right side में kidneys होती हैं. Urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. तो ये आपको पता है. अब हम पूरा process देखेंगे कि किस तरह से जो nitrogenous waste है वो generate होता है. सो पर्पस क्या है यूरिन फॉर्मेशन का. द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर द नाइट्रोजनस वेस्ट. जितने भी हमारे बॉडी में जब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें वेस्ट क्रिएट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएट होता है, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है. तो अगर ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए. इसलिए हमारे ब्लड से इन यूरिया और यूरिक एसिड को, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनको रिमूव करना ज़रूरी है. और ये किससे होते हैं, ये होते हैं किडनीज़ में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं. इतनी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिसे हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं. नेफ्रॉन्स जो हैं ये एक यूनिट है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है जिससे ब्लड फिल्टर होता है. एंड इन किडनीज़ we have many many in thousands and lakhs of nephrons are present. So kidneys mein ye nephrons collect hote hain chote chote capillaries ke form mein, and each capillary cluster in the kidney is associated with a cup shaped end of a tube that collects a filtered urine. Each kidney has large number of these filtration units called nephrons. They are packed together. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. तो पहले ये मैं रीड कर रही हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊँगी. द अमाउंट ऑफ वाटर reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and how much dissolved waste there is to be excreted. The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, a ureter, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder. तो ये है एक the basic unit of filtration which is present in the kidney. तो kidneys में ऐसी बहुत सारी units, capillaries जो हैं present होती हैं, जिनका function क्या है, urine को filter करना, जो भी nitrogenous waste हैं उनको एक्सक्रीट करना, और जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना. तो ये कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल. यहाँ पर यूरिन आता है, कप शेप स्ट्रक्चर है, देन इट गोज़ लाइक दिस. एंड यहाँ से यहाँ पर और भी नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क इस तरह से जाल की तरह फैला होता है, जिस जो कि डिफ्यूजन की हेल्प से, ऑस्मोसिस की हेल्प से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं. इस चैप्टर में इतना डिटेल में नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन जो है दैट इज़ द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट. यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. सो यहाँ पर जितने भी किडनीज़ में जितने भी छोटे छोटे, मैं ये जूम कर देती हूँ, किडनीज़ में ऐसे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन होता है. फिर वहाँ पर यूरेटर में जाते हैं, ये यूरिन
फिर ये यूरिन कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, फाइनली एक्सक्रीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। सो ब्लैडर इज द मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। सो दैट इज़ वाई वी कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। तो हम इसको यूरिनेट करने को हम जो एक्सक्रीशन है यूरिनेशन है उसको हम कंट्रोल कैसे कर पाते हैं, बिकॉज इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। अब एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट, क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन ही वेस्ट है, ये एक्सक्रीट होता है थ्रू स्टोमेटा, एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो हमने देखा कि एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, और जिसकी वजह से वाटर जो है सॉइल से एब्जॉर्ब हो जाता है सक्शन पुल क्रिएट होकर। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स एज लीव्स। तो आपने देखा हो लीव्स की फॉर्म में डेड सेल्स भी जब लीव्स ब्राउन हो जाते हैं तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन एज रेजन्स गम्स स्पेशली इन ओल्ड ज़ाइलम। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इन टू द सॉइल अराउंड देम। सो दीज आर सम प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स वेयर दे कैन एक्सक्रीट आउट जो भी वो डेड सेल्स के थ्रू या तो रेजन्स गम्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो भी उसका एक्सेस जो भी हो रहा है वो एक्सक्रीट कर देते हैं प्लांट्स इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।